ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्म्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कड़ी पुलाव की रेसिपी। बहुत दिनों से अभी बकरी ईद की वजह से सिर्फ नॉनवेज 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 खा के पक गया था, तो आज सोचा कुछ वेज बनाया जाए। तो आज हम लोग बनाएंगे आज कड़ी पुलाव। कड़ी पुलाव के लिए सबसे पहले पुलाव के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा करीबन 2 चम्मच जितना तेल डाल रहा हूँ। तेल को होने देंगे हीट, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गाजर। गाजर जो मैं डाल रहा हूँ उसको मैंने छोटे छोटे ट्यूब्स में कट करके रखे हुए हैं। मैं गाजर को इसलिए पहले डाल रहा हूँ क्योंकि गाजर को पकते टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं गाजर को पहले डाल रहा हूँ। इसको कर देंगे मिक्स, गाजर को थोड़ा सा भून लेने के बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैंने ऐसे क्यूब में काट के रखा हुआ है। ये आप अपने हिसाब से, आपको अगर कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, आप ऐसे यूज कर सकते हो। कैप्सिकम को भी ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि वो एकदम नरम हो जाते हैं, फिर तो इतना ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा सा भून लेना है। अब इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम लोग मटर। ये फ्रोज़न मटर है जिनको मैंने ऐसे ही निकल के रूम टेम्परेचर पर ले आया हूँ, तो इसको यूज़ कर लेंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गाजर, मटर, कैप्सिकम, ये सब की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जिसको मटर ज़्यादा पसंद है वो मटर ज़्यादा डाल सकता है, मुझे थोड़ा कम पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला हुआ है। सभी को थोड़ा सा भून लेने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी की जो क्वांटिटी है, हम लोग जितने राइस यूज़ करने वाले हैं उससे एटलीस्ट 3 गुना पानी होना चाहिए। जो मैं जो दो कप जैसे मैं राइस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे जितना पानी चाहिए था मैं उतना डाल रहा हूँ। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम लोग नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर मैं 1 चम्मच के बराबर डाल रहा हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे राइस। जो राइस जो मैं डालने वाला हूँ वो मैंने लंबे वाले दाने वाले बासमती राइस यूज़ किए हुए, जिनका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो इसके अंदर नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हो। हमारे राइस और सब्जियों को सब कुछ अंदर डालने के बाद अब हम इसको ऐसे ही कुक होने देंगे। जैसे ही हमारे राइस हाफ कुक हो जाए, आप ये देख सकते हो चेंज हो जाए कलर उसका, वैसे ही अब इसके अंदर डाल देंगे काजू। ये मैंने कुछ काजू लेके रखे हैं, इससे हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जैसे ही अब हमारा पूरा राइस कंप्लीट हो जाता है, हम उसको छान लेंगे और हमारा पुलाव रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, तब बनाते हैं कढ़ी। कढ़ी के अंदर हम लोग ने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और 1 चम्मच घी। इसको हम लोग ऐसे ही होने देंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर तड़का करेंगे पहले। रेडी, हमारा घी रेडी हो जाता है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, राई, ये 1 चम्मच के बराबर है। इसको बराबर से पहले फूटने देंगे। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच के बराबर शाही जीरा,
आप रेगुलर जीरा भी यूज़ कर सकते हो, मैंने शाही जीरा यूज़ किया है, शाही जीरा से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये डालने के बाद हम लोग डालेंगे ये लहसुन है, ये अदरक को मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, और ये नारियल है जिसको मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, ये सब भी अंदर जाएगा और इनको भी रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा कलर चेंज होने लगे इतने हमें इसको इसके अंदर दूसरा ऐड कर देना है। ये तड़का ही कड़ी की मेन जान होती है, अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो कड़ी में कचरा चले जाएगी, इसके लिए इसके ऊपर पूरा फोकस करिए कि अच्छे से हो। नारियल और जो लहसुन मैंने काटा हुआ है वो पतला पतला काटा हुआ है, इतने वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कुक होते। अब हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता, ये इसमें मैं कड़ी पत्ता जो मैं डाल रहा हूँ वो फ्रेश वाला है, आप चाहो तो सूखा हुआ भी डाल सकते हो जो चाहिए हो, और कड़ी पत्ता मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगा, आपको अगर कम पसंद है तो कम डालिए। अब इन सब के अंदर हमें डालना है कड़ी के लिए दही। अब ये मैंने 200 ग्राम दही लिया था और उसी के अंदर सेम जो कंटेनर में दही आया था 200 ग्राम के, उसी के अंदर मैंने तीन बार पानी लेके उसके तीन गुना पानी डाल दिया, और इसके अंदर मैंने डाला है चने का आटा, जो बेसन जो हम बोलते हैं, तो मैंने 1.5 चम्मच के बराबर डाल के उसको मिक्स कर लिया है, और अब इसको हम डाल देंगे। अब जो हमने मिक्सचर डाला दही का, अब उसके बाद हमें कांस्टेंट कड़ी को चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको चलाना बंद कर देंगे तो ये कड़ी जो है फट जाएगी, तो इसके लिए हमें इसको कांस्टेंट चलाते रहना है, और चलाते चलाते ही इसके अंदर एक दो चीज़ और डालनी है, जैसे कि ये काला नमक, ये मैंने डाल दिया, आप रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हो, और ये हल्दी, हल्दी इसको कलर भी देगा और फ्लेवर भी देगा। इस कड़ी के अंदर और भी थोड़ा फ्लेवर डालते हैं, इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे गुड़, ये करीबन 2 बड़े चम्मच है, उसे भी हम लोग अंदर डाल देंगे, और कड़ी को हमें उबालना नहीं होता, उसको स्लो हीट पे ही करना है, इसलिए पूरा का पूरा जो आप रेसिपी अब देख रहे हो मैंने कड़ी को ज़्यादा गर्म होने नहीं दिया है। गुड़ की वजह से हमें स्वीट सार जैसा टेस्ट मिलेगा, आप गुड़ की जगह पर शक्कर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे पुलाव के साथ जो कड़ी हम लोग यूज़ करते हैं वो मीठी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने गुड़ थोड़ा ज़्यादा लिया है, अगर आपको मीठी कड़ी पसंद ना हो तो आप इसके अंदर गुड़ की क्वांटिटी कम कर दीजिए, थोड़ा सा ही डाल दीजिए, और इसको चलाते रहिए। हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च जिसको मैंने छोटा काट के रखा हुआ, आप चाहो तो इसकी जगह पर पीसी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर ऐसे ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैंने काट के डाली हुई है, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आपको डालना है, मैंने इसको स्वीट पे ही ज़्यादा रखा है क्योंकि पुलाव के साथ जो स्वीट कड़ी रहती है वही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब तक हमारी कड़ी हो रही है रेडी तब तक हम लोग पुलाव को भी दम में रख देते हैं, ऐसा तो आप इसको पूरा पका के रखा हुआ है तो आप ऐसे भी इसको पुलाव को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा दम वाले राइस ज़्यादा पसंद है। अच्छे से फैला दीजिए, और जो हमारा जो दम देने के लिए जो हम जो पतीला यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे भी एक तवा फ्राई पैन कुछ भी एक बासन रख दीजिए,
ताकि हीट डायरेक्टली राइस के ऊपर ना जाए, और ऊपर से भी इसको ढक दीजिए, वो अपनी स्टीम में ही कुक होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देंगे। इसको ढक के रख दीजिए। आप भी देख सकते हो कढ़ी कितनी अच्छी बन रही है, इसकी थिकनेस भी अच्छे से बढ़ रही है। आप चाहो तो और भी थोड़ा थिक करने के लिए चने का आटा और पानी में मिक्स करके डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा थिक कढ़ी पसंद हो तो, या फिर ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हो। और हाँ, जब मैंने पुलाव कुक किया था उस टाइम पे मेरे को नमक थोड़ा कम लगा था बीच में, जब मैंने 80% राइस हुए थे चेक, तब मैंने चेक किया था, तो मैंने वापस से भी नमक डाला था। तो आप भी ऐसे ही चेक करते रहिए, तो कभी भी कोई भी रेसिपी में आपका नमक ज़्यादा कम नहीं होगा। पहले हमेशा कम ही नमक डालना है, ताकि कम नमक होगा तो उसका इलाज है, लेकिन ज़्यादा नमक हो गया तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। ले लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कढ़ी पुलाव हो गया है रेडी। आप भी देख सकते हो कितने बढ़िया पुलाव लग रहा है, और कढ़ी का भी क्या मस्त कलर आया हुआ, और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। और आप ऐसी ही मैं और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज लाते जा रहा हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर तो बहुत ही करिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट के साथ ही ये सब हो सकता है। और आपको अगर कोई भी रेसिपीज चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो ज़रूर से बनाऊँगा, और रेसिपी में आपका नाम भी मेंशन करूँगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।